morning. Today we are going to learn about ascending and descending orders. Okay? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ascending order और descending order के बारे में पढ़ने वाले हैं. So let's take our big book, page number 121. हम अपना big book लेंगे, page number 121. Open करेंगे. Okay? So वहाँ पे क्या दिया है हम देखेंगे. Ascending and descending order. Okay? वहाँ पे कुछ steps दिए हैं. Yes? Yes. So और वहाँ पे two boys है ना? दो boys है. One boy he is walking on top and one boy he is coming down. Yes, है ना? एक लड़का जो है ऊपर की तरफ चल रहा है और दूसरा वाला जो नीचे उतर रहा है ना? So but वहाँ पे तो steps दिए हैं, वहाँ पे कुछ numbers भी दिए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then फिर से back 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? So ascending means जो number बढ़ता है ऊपर की तरफ और जो descending means जो नीचे की तरफ हम आते हैं, जो back वापस जाते हैं. Okay? So हम देखेंगे वहाँ पे कौन ascending और कौन descending में है. Okay? जो दोनों boys है ना, हाँ, जो first boys है वो ascending की line पे walk कर रहा है steps पे, और जो नीचे जो उतर रहा है वो descending पे नीचे उतर रहा है. Yes? Okay? So let's see what we have to write today. Write the numerals 1 to 10 in the ascending orders. हमको क्या करना है? Numerals 1 to 10 ascending order में लिखना है. टीचर ने आपको बताया है ना ascending order कैसे लिखते हैं? Yes, जो number continue बढ़ता है. यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so वहाँ पे box दिया है ना? बॉक्स में फर्स्ट वन नंबर वन लिखा है और उसके बाद पूरे बॉक्स एम्प्टी है. फिर मिडिल में सेवन नंबर दिया है. तो आपको क्या करना है? वन से टेन तक नंबर कंटिन्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कंप्लीट करना है. एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. उसके बाद जो नीचे लिखा है, राइट द नंबर्स 1 to 10 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें क्या करना है अब? अब हमें descending order में लिखना है. हमने ascending order में तो लिख लिया, अब हमें descending order में लिखना है. descending order कैसे है? फिर से हमें back जाना है. तो first क्या number है वहाँ पे? 10. 10 के बाद कौन सा number आता है? 9. Yes, 9. 9 के बाद which number? 8. Then 7. Then 6. Then 5. Then 4, then 3, then 2, 1. Very good children. So, इस तरह आपको ascending और descending order पढ़ना है और लिखना है. और आपको घर पे भी practice करना है ascending और descending numbers के बारे में. Okay? और इसी तरह अपने notebook, number book में भी आपको number names लिखना है. 1 to 10. Okay? O and E 1, D W O 2, ये नंबर नेम्स आपको आपके मैथ्स नोटबुक पे लिखना है आज के दिन. थैंक यू.